आज हम लेकर के आ गए हैं रील पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने वाला आया रे आया पापा मोरिया रील वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल को लेकर के। तो सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। कैसे करना है वो आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपके वीडियो में स्काई दिखना चाहिए। तो ऐसा हम एडिटिंग करेंगे VNF से। तो आपके मोबाइल में VNF होना चाहिए। अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे, डाउनलोड कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हम अपने VNF को ओपन करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो आप वीडियो को रिकॉर्ड करके रखे हैं उसको आप ऐड कीजिएगा, एरो पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो फॉर्मेट है आप यहाँ से ओरिजिनल पे क्लिक करके 9x16 पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से 9x16 पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके वीडियो के स्टार्टिंग में फालतू भाग होगा तो उसको आप कटिंग करके हटा दीजिएगा। मेरे में है तो चलिए इसको हम कटिंग करके हटा देते हैं। देख लेते हैं मेरा जो वीडियो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। यहाँ से हम स्प्लिट कर देंगे, स्टार्टिंग का जो फालतू भाग है डिलीट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। लास्ट में वाटर मार्क आएगा, इसको भी आप डिलीट कीजिएगा। उसके बाद हम इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे, टैब टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। साउंड वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करके साउंड को बाहर कीजिएगा, चूज पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने म्यूजिक के साथ वीडियो को मैच कर दीजिएगा, अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं मैच हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए हम प्ले करके देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर मैच हो चुका है। अगर मैच नहीं होता है तो आप यहाँ से कटिंग वगैरह करके या फिर स्पीड कम बेस करके मैच कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद इसको आप इक्वल साइज में कटिंग कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम इक्वल साइज में कटिंग कर देते हैं। उसके बाद आप इसके थोड़ा सा पहले आइएगा, प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला। सबसे पहले चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप इसके स्टार्टिंग की तरफ आइएगा थोड़ा सा, उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कीजिएगा। गणेश भगवान वाला जो वीडियो क्लिप है लिंक मिल जाएगा नीचे, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, इसको आप 12 कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। और आप अपने स्काई के ऊपर ले जा करके रख दीजिएगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से रख देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं इसको आप इक्वल साइज में कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर इक्वल साइज में अभी नहीं हुआ है। चलिए इसके स्टार्टिंग की तरफ आ जाते हैं, इसको पूरा फुल कर लेते हैं, इतना बड़ा है। चलिए इसका हम यहाँ से एंड पॉइंट पे आ करके रख देंगे कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद यहाँ से आप मास्क को ओपन कीजिएगा, लीनियर पे क्लिक कीजिएगा, फिर एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो लाइन है आप नीचे लाइएगा, यहाँ से आप शैडो दे दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम कुछ इतना दे देते हैं। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से डन पे क्लिक कीजिए, ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपके वीडियो पे गणेश भगवान का कोई भी शैडो आता है आपके फेस पे, तो यहाँ से आप अपने वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा, एडजस्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो कंट्रास्ट है इस पर आप क्लिक करके थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करके मैच कर लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर मैच हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए चलिए थोड़ा सा हम कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मेरा जो कलर ग्रेडिंग था कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहां से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए आप यहां से एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग ट्यूटोरियल आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।